जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीपीयू एसआई 2023 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। दोस्तों वीडियो में बताएंगे कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है और आपके जो फॉर्म का स्टेटस है वो क्या दिखा रहा है, एक्सेप्टेड है या एक्सेप्ट नहीं किया गया है। उसके बाद दिखा देते हैं आपको दोस्तों कि जो एग्ज़ाम डेट है वो कब से कब तक है। यहाँ देखेंगे दोस्तों जो एग्ज़ाम डेट पेपर फर्स्ट है वो आपका 3 से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में चलेगा। तो दोस्तों कैसे डाउनलोड करना है, चलते हैं डाउनलोडिंग के ऑप्शन पे लेके आपको। दोस्तों यहाँ मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे, डाउनलोड के सेक्शन में आके यहाँ स्क्रॉल करेंगे। आपको यहाँ कई प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी से भी आप कर सकते हैं, अपने रोल नंबर से भी कर सकते हैं, और यदि आपको दोनों नहीं पता है रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी तो आप यहां पर देखेंगे नाम से भी खोज सकते हैं। यहां नेम में आप जो है 4 कैरेक्टर्स यानी अपने नाम का 4 लिखेंगे, जैसे कि मेरा नाम मनीष है तो हम MANI सिर्फ लिखेंगे। उसके बाद अपने पिताजी का यहां पर नाम लिखेंगे, वो भी 4 कैरेक्टर, जो सबसे पहले फर्स्ट नेम का 4 कैरेक्टर लिखेंगे। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करेंगे, यहाँ देखेंगे वेरीफाई ह्यूमन में 8+5 लिखा हुआ है तो इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ देखेंगे दोस्तों अपना सब हम फिल कर दिए हैं, अपना नाम, अपने नाम का 4 अंक, अपने पिताजी के नाम का 4 अंक, यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिए हैं। उसके बाद 8513 यहाँ पे अंक को लिख के सर्च मारेंगे। जब सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए इस प्रकार से पेज खुल के आएगा। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, इसको करके यहाँ पर आपका नाम वगैरह सब शो करेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम टाइम यानी कि 4 से लेकर 6 PM के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट देखेंगे यहाँ पर 5/10/2023 को एग्ज़ाम है, और यहाँ देखेंगे स्टेटस में फॉर्म एक्सेप्टेड लिख के दिखा रहा है। उसके बाद देखेंगे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे यह परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है, यह केवल आपकी परीक्षा तारीख, पाली, समय इत्यादि की जानकारी के लिए है। तो जो मेरा एग्ज़ाम है 5 तारीख के है तो 4 दिन पहले हम इसको डाउनलोड करेंगे, या आपका जिस भी तारीख को एग्ज़ाम होगा उस तारीख के 4 दिन पहले ही आपका जो डाउनलोड होगा। यहाँ पर डाउनलोड का सेक्शन आ जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है चेक फॉर एनुअल कैंडिडेट, पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।